कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने आपको हावड़ा स्टेशन का जो रिटायरिंग रूम दिखाया था वो था। अभी मैं कोलकाता स्टेशन पे हूँ और यहाँ का रिटायरिंग रूम आपको दिखाता हूँ। हालांकि बुक तो कल रात में अचानक बुक हुआ, स्लॉट खोल के देखा तो खाली था तो बुक कर लिया और बुक हो चुका है। अभी जा रहे हैं वहीं पर। हालाँकि अभी हम हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म पर, यहाँ अभी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर है और ये जो प्लेटफॉर्म है यहीं से आपका जो है जो बांग्लादेश के लिए ट्रेन जाती है। एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए यहीं पे जो है मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है यहाँ से बांग्लादेश के लिए जो ट्रेन, यहीं पे ये लेडीज चेकिंग रूम है यहाँ पे। और दोस्तों यहीं पे जो है आपको पूरा जो ये प्लेटफॉर्म है एक नंबर, यहीं से आपको बांग्लादेश के लिए ट्रेन आपको मिलेगी। यहाँ पूरा सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, उस समय जब ट्रेन डिपार्चर का टाइम होता है तो पूरा वीज़ा वगैरह सब चेक किया जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, अभी तो एक ही पे हैं, एक पे प्लेटफॉर्म पे ही हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं और पता करते हैं कहाँ पे है रिटायरिंग रूम, क्योंकि सुरक्षा जाँच लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है सुरक्षा होते हैं, यहीं पे उसका लोको लगता है। यहाँ पे जाल देख रहे हैं ना, वो पूरा बंद कर दिया जाता है। यहाँ पूरा सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है पूरा। यहीं से जो है खुलती है मैत्री एक्सप्रेस जो हमारे इंडिया कोलकाता से जाती है बांग्लादेश की ओर। एक ट्रेन आ रही है, लोकल है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये तो अभी आई है कोलकाता जम्मू तवी। ये फुट ब्रिज है दोस्तों, लेकिन स्लोपिंग वाला है और उधर एक्सीलेटर लगा हुआ है। एक एग्जिट यहाँ से भी है जो बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा प्रीपेड टैक्सी वगैरह मिल जाएगी बाहर निकलते चलते। यहाँ हमारा इंडिया का फ्लैग है, चलते हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लिफ्ट एरिया है जो कि फर्स्ट फ्लोर ऊपर की तरफ जा रहा है चारों कंडीशन में। ये जो जगह है सहयोग केंद्र, वहीं पे आपको वेटिंग रूम का मिल जाएगा रिटायरिंग रूम। ये पूरा जो है जा सकता हूँ। यहाँ पे पूरा जो है प्रीपेड टैक्सी वगैरह जो है पूरा सभी हम लोग चलते हैं। यही दोस्तों है रिटायरिंग रूम 1 और 2, बस दो ही रिटायरिंग रूम है ये वाला। तो हम लोग को जो रिटायरिंग रूम 1 अलॉट हुआ है उसमें भी चलते हैं। और उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ बांग्लादेश का जो यहाँ से वीज़ा वगैरह बनता है वो तो आपको उधर मिले, यहीं से आपको बांग्लादेश का वीज़ा वगैरह मिलेगा। एक्सप्रेस जो नाम है यहीं से आपको वीज़ा वगैरह मिल जाएगी। बांग्लादेश वीज़ा इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ से आपको जो कैश वगैरह अगर बांग्लादेशी रुपया है टका जो बोलते हैं सर, तो यहाँ आपको वो चेंज हो जाएगा इंडियन रुपीज़ में और यहाँ का
चेंज हो जाएगा वहाँ के बीच में, सब सारा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है visa.com करके, यहाँ पे बांग्लादेश वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। चलिए हम लोग अपने चलते हैं रिटायरिंग रूम में, जो कि 12 घंटे का ही अलॉट हुआ है। हो गया कुछ छोटा नहीं? ये बात है।